ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, तो मैं एक चीज़ बता दूं, फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ये पूछा कि एक एंक्लोज सरफेस है तो ऐसा लगता है कि गॉस थ्योरम लगवाएगा, लेकिन तीन चार्ज देके वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो वेक्टर सम होगा तीनों E1, E2 और E3 का। इसमें ये मत करना कि अंदर का चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा बाहर का करेगा, सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, हाँ अब आवाज आ रही होगी ऑनलाइन, ठीक है। तो इसमें ये बताया मैंने फर्स्ट उसमें कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों चार्जेस कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट हो गया, कितने लोगों ने किया ऑनलाइन वो डाउट? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए इंटू गामा नॉट है। द चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस गामा नॉट सेंटर्ड एट ओरिजिन इज इक्वल टू व्हाट? तो आपको इसमें चार्ज बताना है क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज, जो फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज स्फेयर का या बॉडी का, वो क्यूब एप्सिलॉन नॉट है। तो क्यू क्या होगा? फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है? ई इंटू एरिया। अब ई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, ए इंटू गामा नॉट, और एरिया में 4π गामा नॉट का स्क्वायर, क्योंकि गामा नॉट रेडियस है इसमें। तो यहां से क्या आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद फोर्थ, ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, थर्ड सिलेंडर वाला क्वेश्चन नंबर 4th में डाउट। फोर्थ क्वेश्चन, आपको एक इनफाइनाइट वायर गिवन है, इस इनफाइनाइट वायर के आसपास एक क्लोज्ड सिलेंडर गिवन है, इस क्लोज बॉडी की लेंथ 1 मीटर गिवन है, आपको इसमें लैम्डा, लैम्डा का मतलब डेंसिटी, कितने गिवन है, 1 चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ इज क्यू कूलम। नॉर्मली क्या होता है कि हमें डेंसिटी गिवन होती है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा सिंबल। उसने जान के कंफ्यूज कर किया, उसने लैम्डा की जगह क्या यूज कर दिया, क्यू। तो लैम्डा की जगह यहां पर क्यू है, तो लैम्डा इसमें अगर क्यू है तो हमें क्या निकालना है इसमें, 100 सेंटीमीटर। अब क्योंकि लैम्डा के यूनिट होते हैं चार्ज पर मीटर, इसने क्या गिवन, पर सेंटीमीटर। तो एक चीज बताओ, अगर ये 1 मीटर है तो इस रॉड पे अंदर जो लाई करती है चार्ज क्या होगा, क्यू इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू जो है वो चार्ज पर सेंटीमीटर है इंटू 100 सेंटीमीटर। तो चार्ज की वैल्यू आ गई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स आ गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ रीजन ऑफ स्पेस हैविंग स्फेरिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज बाय कंसेंट्रिक स्फेरिकल गॉशियन सरफेस वेरीज विद रेडियस एस। वो ये कह रहा है कि कंसेंट्रिक गॉशियन सरफेस है, मतलब एक्चुअल में तो आपको क्या गिवन है, एक स्फेयर गिवन है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, एक इमेजिनरी क्लोज्ड गॉशियन सरफेस है जो कंसेंट्रिक है। तो अगर एक गॉशियन सरफेस में अंदर बनाऊं ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो वो कह रहे हैं कि अगर रेडियस कैपिटल आर से छोटा है तो इतने पोर्शन का जो फ्लक्स होगा वो ये है, और अगर गॉशियन में बाहर बनाता हूं कंसेंट्रिक ऑफ रेडियस स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो टोटल फ्लक्स फाई नॉट है। तो अंदर का इतना, बाहर का इतना, आपको इसमें क्या निकालना है, आपको बताना है ई की वैल्यू स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर में क्या होगी, ग्रेटर देन कैपिटल आर में क्या होगी, कैपिटल ई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कोई डाउट है इसमें? हमें ना एक एक करके ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी, हमें 2 बार ई निकालना पड़ेगा, एक बार उस सॉलिड स्फीयर के अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और एक बार बाहर। राइट, क्लियर है यहां तक? तो अगर हम सॉलिड स्फीयर के अंदर ई निकालें, तो ये सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और हम यहां पे अगर ई निकालें तो ई इंटू क्या करना पड़ेगा, 4π r2। लेकिन अगर हम स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर लेते हैं तो फ्लक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें गॉस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ई की वैल्यू एक बार इंटीग्रेशन से, एक बार फ्लक्स की डायरेक्ट पुट की तो सॉल्व करके क्या आ गया, ई की वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ई की वैल्यू कैसे आएगी? कोई डाउट इसमें? ठीक, अब ये ऑप्शन आपको मिला नहीं, इसमें कोई बात नहीं,
स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में चलते हैं तो फ्लक्स तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू गॉस हमें क्या आगे बनाया फाई नॉट, सॉल्व करके क्या आ गया ई की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक? ई की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट? यस सर। ठीक है, सर इसमें बस एक ही चीज पूछनी थी क्या? सर, इसमें आप सर इसमें आपने जो क्यूब है वो एक्स मतलब दूर ले रखा है, ओरिजिन पे अगर लेंगे तो फिर तो एक्स 0 हो जाएगा ना, मतलब हमें कैसे पता चला कि ओरिजिन पे लेना है फिर थोड़ा सा दूर लेके लेना है? अच्छा देखो, रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये ई नॉट एक्स एक्सिस में गिवन है, खत्म। कंसिडर एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज ए, तो ये एज ए है, विद इट्स एजेस पैरेलल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल है, चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू। ठीक है, आप एक काम करो, आप इस क्यूब को ओरिजिन पे ले सकते हो, कोई बात नहीं, आप एक्स नॉट को जीरो कर लो चलेगा, अगर नहीं लिया तो आप थोड़ा दूर ले लें, मैंने एक्स नॉट पे ले लिया, पर फाइनल आंसर में आप नोट करें एक्स नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल। क्यों कैंसल होगा अभी करके दिखाऊंगा। तो मतलब आप चाहे ओरिजिन पे लें या ना लें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला आंसर में है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको कहाँ पर ले लिया, मैंने थोड़ा बाहर ले लिया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, ई नॉट इन टू एक्स नॉट प्लस ए, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई नॉट इन टू एक्स नॉट, क्योंकि एक्स की जगह एक्स नॉट, एक्स की जगह एक्स नॉट प्लस ए, तो यहां पर ई और डीएस में एंगल क्या जीरो, और यहां पर ई और डीएस में एंगल क्या 180। क्लियर है यहां तक? तो आप इसे पुट करें ई नॉट एक्स नॉट कॉस 180 और एरिया ए स्क्वायर है, ई नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस एरिया ए स्क्वायर है कॉस 0, एक बार 0 एक बार 180, ओपन करेंगे ये अपने आप कैंसिल होके सिर्फ ये बच जाएगा। तो इसके अंदर मान लेते हैं चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स क्या होगा क्लोज बॉडी का क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इक्वेट करके क्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ठीक है यहां तक? तो इसकी वैल्यू है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट? 8 में डाउट है। देखो 8 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए एंड बी आर सेमी स्फेरिकल सर्फेसिस ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू, एक स्फेयर देने की बजाय दो हेमिस्फेयर दे दिए, एक बड़े वाला आर वन एक छोटे वाला आर टू, और सेंटर में चार्ज कितना रख दिया क्यू नॉट, क्लोज बॉडी है। उसके बाद क्या करना है, ई वन ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड है सर्फेसिस के ऊपर, तो ये Q नॉट यहां पर इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E1, और ये Q नॉट इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा E2। आपको रिलेशन बताना है फ्लक्स का और E1 E2 का और R1 R2 का क्या रिलेशन है। रूल नंबर वन, अगर ये सिर्फ स्फेयर होता, टोटल एक साइज का स्फेयर ऑफ रेडियस R, चार्ज सेंटर पे Q नॉट है, तो टोटल फ्लक्स क्या होता पूरे स्फेयर का Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बात खत्म। हेमिस्फेयर का क्या होता Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2, इसमें भी तो वही है टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। एक हेमिस्फेयर में क्या है, देखो जो लाइंस हैं वो कैसे जाएंगी, यहां पर जो लाइंस हैं वो इधर भी जाएगी 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 इधर इधर इधर, तो साइज मैटर करता ही नहीं है, चाहे हेमिस्फेयर छोटा हो चाहे हेमिस्फेयर बड़ा हो, नंबर ऑफ लाइन तो उतनी जा रही है, तो इसलिए ऊपर वाले हेमिस्फेयर का फ्लक्स क्या होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे वाले का भी क्या होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्लक्स की रेशियो phi 1 phi 2 की रेशियो दोनों में एग्जैक्टली क्या रहेगी सेम, पहला पॉइंट। तो ये आंसर तो है ही है। अब ये बताओ कि अगर मुझे यहां पर इस सरफेस पे फ्लक्स निकालना है तो एक और तरीका है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहां का सरफेस एरिया जो कि कितना 2 पाई r1 स्क्वायर, और नीचे क्या है E2 into 2 पाई r2 स्क्वायर, तो एक बात तो पक्की है कि E1 E2 के बराबर नहीं है क्योंकि R1 R2 के बराबर नहीं है। तो अगर आप इस फ्लक्स को डिवाइड कर दें, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू तो बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये E1 R1 स्क्वायर E2 R2 स्क्वायर 1 हो गया, सॉल्व करके यहां से R2 R1 और E1 E2 का रिलेशन आ जाएगा, ऑप्शन मार्क कर लेना। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कैसे करना है, इसमें ऑनलाइन क्लियर है?